हाय गाइस, दिस इज मनमोहन गुप्ता फ्रॉम वीएमसी। सो आज मैं पढ़ाई के बारे में कोई बात नहीं करूंगा इस वीडियो में। आज मैं बात करूंगा फिजिकल बॉडी की हमारी। तो फिजिकल बॉडी यू नो, और मैं मान रहा हूँ आप स्टूडेंट हैं तभी यह वीडियो देख रहे हैं। बेशक आपका क्लास बोर्ड की प्रिपरेशन होगा, आपका इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन होगा या मेडिकल की होगा, तो ये मेरा वीडियो सबके लिए यू नो देखने जरूरी है। मैं कहूँगा देखना, क्योंकि अब होता क्या है कि आप लोग टीनेजर होंगे, आप जैसे मेरी डॉटर भी टीनेजर है, मुझे पता है आप, एंड यू प्रेफर टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन द रूम अपने, या तो अपने गैजेट के साथ, या यू नो अपने यू नो फोन पे आप दोस्तों से बात करने में लगते हैं, या अपने लैपटॉप के साथ होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी टेंडेंसी होती है कि आप आराम से रूम में बैठ के अपने बिस्तर पे या टेबल पर पढ़ाई करते हैं। फिजिकल आपका बिल्कुल नहीं है। फिजिकल में क्या होता है, बाहर आते हैं आप, ऑक्सीजन लेते हैं आप, वॉक करने जाते हैं, तो आप कि बॉडी पे बहुत इंपैक्ट होता है। और बॉडी हमारा, माइंड हमारा कनेक्टेड है। तो आपको लगता है कि हम तो पढ़ाई करनी है 11th 12th में, तो माइंड का ही काम है, बॉडी का कोई काम नहीं है, लेकिन दोनों में कनेक्शन है। तो आपको बॉडी पे भी थोड़ा फोकस रखना है, अपने फिजिकल यू नो स्ट्रेंथ पे या फिजिकल फिटनेस पे भी फोकस रखना है। तो इस वीडियो में बात करूंगा कि क्या किस किन तरीकों से आप अपने फिजिकल पे, फिजिकल बॉडी पे फोकस कर सकते हैं और पढ़ाई आपकी सफर नहीं करेगी। मैं बिल्कुल ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप 3-4 घंटे अपनी फिजिकल बॉडी पे फोकस करेंगे तो फिर आप थक जाएंगे और पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल लाइट एक्सरसाइज करने के कि जिससे आपकी बॉडी रिदम में भी रहे आपकी, और कैसे आप अपना टाइम भी वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और एक और चीज़ कहना भूल गया था, बोलूँगा कि देखो एक डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है पढ़ाई करने के लिए। और पढ़ाई करने के लिए आप अब जो फिजिकल पे फोकस रखते हैं, आपको पता है कि मुझे फिजिकल एक्टिविटीज टाइम पे करनी है, तो उससे डिसिप्लिन भी आता है जो कि आपको पढ़ाई में भी हेल्प करेगा। तो अभी बात करते हैं कि किस तरह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेन ना डाल के बॉडी पे कम टाइम में किस किस तरह की फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को साथ में जारी रख सकते हैं। देखिए, आप कहीं भी, आपको या तो पार्क में जाके या कहीं भी, अब डिपेंड्स कि आप कितना फिजिकली फिट है, छोटा शुरू करिए। आप इजी वॉक भी कर सकते हैं ऐसे आराम से, और शुरू में छोटा टारगेट रखो, आप आधा किलोमीटर कर सकते हो, फिर धीरे धीरे उसको 1 किलोमीटर कम से कम आपने लेके जाना है। और अगर स्लो वॉक कर सकते हैं, लेकिन अगर जिससे ज़्यादा अच्छा होगा बजाय थोड़ा ब्रिस्क वॉकिंग, दिस इज द यू नो ब्रिस्क वॉकिंग, ये करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका, ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी में जाएगी, फिटनेस भी बढ़ेगी आपकी। तो ब्रिस्क वॉकिंग स्टार्टिंग विद 0.5 किलोमीटर एंड गो अप टू 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, बट नॉट 5-10 किलोमीटर। और अगर आपको, यू आर नॉट द वन हु लाइक्स टू वॉक, तो आप लाइट जॉगिंग कर सकते हैं। ऐसे मैं जॉगिंग पर, मुझे वॉक पसंद नहीं है, नहीं कर पाता, तो मैं जॉगिंग करता हूँ। राइट, तो इधर इजी वॉक, ब्रिस्क वॉक और जॉगिंग, ये तरीके हैं। और अभी हम और तरीकों की बात करेंगे। देखिए, आप अगर आउटडोर पर्सन नहीं हैं, या आपके वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है कि आप बाहर जाके एक्सरसाइज करें, या आपको अंदर ज़्यादा अच्छा लगता है, दो मैं कहूँगा बाहर जाना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन फ्रेश एयर आपको मिलती है। लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज आप घर पे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रॉस ट्रेनर है, या आपके पास ट्रेडमिल है घर पे, या बाइसिकल है, अगर ऐसा कोई आपके पास यू नो एक्सरसाइज इक्विपमेंट है घर पे, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। आइडिया ये है कि आपको बॉडी को मूव करना है, कि बॉडी में जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप स्ट्रेस डालते हैं बॉडी पे, तो बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन ग्रैब करती है, ऑक्सीजन ग्रैब करती है तो आपके सेल्स यू नो फ्रेश फील करते हैं। तो जैसे मैं, कई बार बारिश होती है, कई बार स्नोफॉल हो रही है, तो मैं घर पे ही प्रेफर करता हूँ एक्सरसाइज करना। तो जैसे भी, जो भी आप कितना इस पर करना चाहें, कितना आप यू नो इस पर रेजिस्टेंस है आप कम ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कि इतना ज़्यादा आपने एक्सरसाइज कर ली कि आप जैसे कोई प्रोफेशनल की तरह आप ये इतना टायर्ड फील कर रहे हैं उसके बाद, तो सारा पर्पज़ ही डिफीट हो गया। कि आपको उतना करना है कि आप यू नो फिजिकली एक्टिव फील करें और पढ़ाई में हेल्प मिले। ये नहीं कि आप यू नो आपने कोई यू नो कोई बॉडी बिल्डिंग करनी है या मसल बिल्डिंग करनी है, उतना नहीं। फ्रेंड्स, अगर आप देखिए, आप अगर आउटडोर पर्सन नहीं है, बाहर नहीं जाना चाहते, और आप घर पे, आपके पास कोई एक्सरसाइज का इक्विपमेंट नहीं है, जैसे कि ना आपके पास ट्रेडमिल है, ना आपके पास यू नो इलिप्टिकल ट्रेनर है, ना आपके पास बाइसिकल है, तो तब भी मैं कह रहा हूँ आप घर बैठ के थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे कई बार करना होता है और मेरा मन नहीं होता मैं इलिप्टिकल ट्रेनर पे अपनी एक्सरसाइज करूँ, तो मैं, जैसे मेरे पास ऐप है 7 मिनट्स एक्सरसाइज ऐप, वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। या मैं कई बार जो टिपिकल एक्सरसाइज है, जैसे कि मैं जंपिंग जैक्स, बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, ऐसे जंपिंग जैक्स, आप ऐसे जंपिंग देखिए, आप 25-30 आप ऐसे करेंगे, आप देखेंगे बॉडी में
ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेट होगा और वो ऑक्सीजन सक करेगा और बॉडी आप अलग एक फ्रेशनेस फील करेंगे इसके बाद। और जैसे आप कर सकते हैं कि जैसे आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, ऐसे आप अपने से पैर थोड़ा खोलिए ऐसे और झुक के आपने ऐसे एक्सरसाइज करनी है। तो अगर आप 15 20 25 भी ऐसे कर लेंगे तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा उससे। और जैसे आप लंजेस कर सकते हैं, जैसे ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। देखिए आप एक पहले लेफ्ट राइट फिर राइट, को ऐसे प्रोफेशनल की तरह नहीं करना है आपने, जैसे मुझे जैसे भी कंफर्टेबल है थोड़ी ये टांग सीधी रख के पीछे घुटना ऐसे जितना आगे लेके जा सकते हैं, फिर दूसरा लाइन वही 20-25 आप टारगेट रखिए करने का। या फिर आपको थोड़ा आप यू नो आप पुशअप जैसे एक चीज़ है वो भी कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। बट हर कोई नहीं चाहता पुशअप करना क्योंकि थोड़ा सा मतलब मसल्स पे कंधों का जोर यूज़ होता है। बट अगर आप हैं आपको मज़ा आता है पुशअप करने में तो आप वो ट्राई कर सकते हैं पुशअप। जैसे अब आपको आइडिया हो गए पुशअप कैसे, तो आप 10 15 20 कितने भी आप की कैपेसिटी है उतने आप पुशअप कर सकते हैं। कि तो मैंने बहुत ही बेसिकली एक्सरसाइज बताएंगे, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा यू नो और ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं तो बहुत सारी ऐप है। मैंने बताया कि मैं यूज़ करता हूँ 7 मिनट्स एक्सरसाइज ऐप, बहुत अगर आप अपना स्मार्टफोन में देखेंगे काफ़ी सारी फ्री ऐप हैं आप डाउनलोड करके, और वहाँ पर डेमो भी होता है उन ऐप्स में। तो दोस्तों इस वीडियो पर हमने बात करी है कि आपकी बॉडी आप पढ़ाई पे फोकस है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आपने अपने बॉडी पे भी फोकस करना है। बॉडी में फोकस करने के लिए जो वेरियस तरीके बताएं आप जो फॉलो कर सकते हैं, आप घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं जैसे मैंने इस वीडियो में दिखाया, और उससे पहले मैंने आपको बताया कि आप बाहर जा रहे हैं तो ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं या नॉर्मल वॉक कर सकते हैं या जॉगिंग भी कर सकते हैं। घर में आपके पास इक्विपमेंट हैं तो आप इक्विपमेंट पे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत बैलेंस बना के। डेली नहीं करना चाहते हैं तो हफ्ते में 3 दिन 4 दिन, और वो भी नहीं तो वीकेंड पे कम से कम आप टारगेट रखिए, सैटरडे को भी करना है और संडे को भी एक्सरसाइज करनी है। सारा मिला के टाइम आपको हर एक एक्सरसाइज में मेरे हिसाब से आपको आधे घंटा से ऊपर नहीं चाहिए। थैंक यू।